साइन बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर लिखा हुआ है धोलेरा स्मार्ट सिटी 1 किलोमीटर, और अभी हम जा रहे हैं एबीसीडी बिल्डिंग की ओर। धोलेरा स्मार्ट सिटी हमारे भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, और यह स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पे पूरी तरह से बनके तैयार होगी। और धोलेरा स्मार्ट सिटी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि टाटा, टोरेंट पावर, रीन्यू पावर, मोंटी कार्लो और SBI इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, और कुछ कंपनियों का ग्राउंड पर काम भी चालू हो चुका है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स, अभी हम ABCD बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं, और धोलेरा स्मार्ट सिटी की शुरुआत हम पहले ABCD बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ABCD का फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा, और ये ABCD बिल्डिंग पूरे धोलेरा का एक मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, धोलेरा में आपको किसी भी प्रकार का काम कराना है, जैसे कि रजिस्ट्री कराना है या बिजनेस स्टार्ट करना है या जो भी काम करना है, आपको सबसे पहले एक ही जगह पे आना है, और वो है ABCD बिल्डिंग। इसी जगह पे आके आपको सारा काम हो जाएगा, और यहाँ पे SBI की एक ब्रांच भी यहाँ पे इस बिल्डिंग में ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो ABCD बिल्डिंग है जहाँ पे हम खड़े हैं, वो TP2 का वेस्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, ABCD बिल्डिंग हम देख चुके हैं, और अभी यहाँ से हम जाएंगे TP2 के ईस्ट पार्ट पे, जहाँ पे काफी सारा डेवलप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सामने आपको एक साइन बोर्ड दिख रहा होगा जिसके ऊपर लिखा है ए न्यू एरिया ऑफ स्मार्ट सिटीज। तो हम यहाँ से अभी स्मार्ट सिटी में एंटर हो रहे हैं, और धोलेरा स्मार्ट सिटी को ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में यहाँ पे रोड बन चुकी है, और दोनों साइड में रोड के दोनों साइड में फुटपाथ भी बन चुका है, और प्लांटेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मीडियन में यहाँ पे लाइट पोल भी लग चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सामने आपको एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य दिख रहा होगा, तो वो वाटर रिजर्व बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य यहाँ पे जारी है, और सिटी में बहुत सारी जगह पे ऐसा बिल्डिंग बनाया जा रहा है जहाँ से पूरी सिटी के अंदर पानी का सप्लाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सामने आपको जो एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, वो टोरेंट पावर की बिल्डिंग है, और ये इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन है, और इस सिटी में बहुत सारे ऐसे सब स्टेशन बनने वाले हैं, और कुछ सब स्टेशन बन के रेडी हो चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं कि प्लांटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इसको कवर भी किया गया है ताकि कोई जानवर इसको तोड़ ना दे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीम का पेड़ लगाया गया है, आप देख रहे हैं दोनों साइड पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुटपाथ भी बना हुआ है। यहाँ पे रोड के दोनों साइड पे इस तरह से आप देख रहे हैं ये फुटपाथ बना हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है ये फुटपाथ। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और दोनों साइड इसकी छाव आएगी, और यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। बहुत प्लानिंग से इस सिटी का निर्माण कार्य जारी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, रोड के दोनों साइड पे यहाँ पे फुटपाथ बनाया जा रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। रोड के कंटिन्यू साइकिल ट्रैक यहाँ पे रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल कैनाल का निर्माण कार्य किया गया है, और इसे रिवर फ्रंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह ही दुबई में भी एक कैनाल फ्रंट बनाया गया है, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, दुबई सिटी को भी धोलेरा की तरह ग्रीन फील्ड सिटी बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडियन में ग्रिल भी लग चुका है, और सामने आप देख रहे हैं कि एक मशीन सेट है, ये टोटल स्टेशन मशीन है, और ये सुकिया CX101 की सीरीज का है, और यहाँ पे अभी लेआउट का काम जारी है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन भारत सरकार और गुजरात सरकार का सबसे बड़ा प्लान्ड एफर्ट है।
जहां पर टॉप क्लास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन DMIC का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ है और ये रोड की दूसरी साइड है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग का यहाँ पे भी निर्माण कार्य जारी है और सामने एक लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों काम यहाँ पे फुल स्पीड से चल रहा है धौलेरा स्मार्ट सिटी का। तो दोस्तों जिस रीजन में धौलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसका अधिकतम इलाका बंजर है, इसीलिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सरकार को लैंड एक्विजिशन में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। फ्रेंड्स, धौलेरा स्मार्ट सिटी कितने बड़े एरिया में बन रहा है इसके बारे में आज बताऊंगा। तो ये धौलेरा स्मार्ट सिटी है वो दिल्ली से 2 गुना बड़ा बनने जा रहा है, यानी दिल्ली अभी जितने एरिया में बसा हुआ है उससे डबल एरिया में ये धौलेरा स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ मैं अब धौलेरा स्मार्ट सिटी का भी अपडेट देता रहूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया है, और ये देखिए ये फुटपाथ है, उसी के नीचे पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है और एक साइड दोनों साइड पे रोड है, आने जाने का रोड है। और इस जगह पे आप पैदल के लिए हो सकता है या तो फिर आप साइकिल लेके भी यहाँ से जा सकते हो। इस तरह का ये रूट कंटिन्यू है, ये जिस जिस जगह पे जहाँ तक रोड जाती है ना वहाँ तक ये इस तरह से स्ट्रीट बनाई गई है। और यहाँ पे आप देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे। यानी ये सिटी बन जाने के बाद बड़ी जबरदस्त सिटी लगेगी।